ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की कीती हुई अरदास उस अकाल पुरख के चरणों में प्रवान हुई। वाहिगुरु माता गंगा जी की कुख तो छेवें पातशाह का अवतार गुरु की बडाली विखे होया। बाबा बुढ़ा साहब के बचन सन, तुमरे ग्रह प्रगटे गो जोदा जाका बल बद किन्हू ना सोदा। माता जी तुहाडे घर चो मां बली पुत्र पैदा होएगा जेदा मल बल मापिया तोलिया नहीं जाएगा। ते बाबा बुढ़ा साहब दे बचन पूरे होए, छेवें पातशाह महाराज जिन्हां दी त्यास करा 18 चप्पे मोटी तौण सी, चांदी दे रुपये दे नंबर पोटियां विच मसल के सतगुरु मेट दिया करदे सी। डेढ़ घंटे तो वध उन्हां दे थले घोड़ा काढ़ नहीं सी कढ़िया करदा। इन्ने सोहणे सन मेरे सतगुरु, दुनिया में सजणो 19 सोहणे आउंदे लिस्ट विच जिहड़े बहुत सोहणे आ। सनक सनंदर बल भद्र ते कान जी, दशरथ दे पुत्र चारे यूसुफ सुलेमान जी, हसन हसैन पंजे पांडव बलवान जी, ए दुनिया विच 19 सोहणे मिथे गए। इन्हां उन्नियां दा रूप गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणा वर्गा नहीं सी महाराज, इन्ने सोहणे सन। एक गल चेते रखियो, जेड़ा खालसा दा नीह पत्थर है ना, सिरजना दा नीह पत्थर, ओ भी बाबा ओ भी गुरु हरगोबिंद पातशाह ने रखिया सी। जदों छेवें पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे ते बाबा बुढ़ा साहब ने एक तलवार लिया के ते गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सजे पासे पाती। एक गल चेते रखियो, भावें कोई शहजादा होवे, भावें कोई सिपाही होवे, भावें कोई बादशाह होवे, भावें कोई जरनैल होवे, जेड़ी तलवार है वह खब्बे पासे ही पाई जांदी। जदों बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सजे पासे तलवार पहनाती ना, जेड़े सिख बैठे से वह बीबियां वांगू मूँह जोड़ के ते गल्लां करन लग पे भी बाबे ने की पता भी तलवार कदों पाउणी, बाबा कहड़ा जंग लड़दा रहा, ढोंदा ते गुरु घर की टोकरी रहा जा गावां मियां चरदा रहा, बाबे नूं की पता भी तलवार किधर पाउणी आ। अजे गल्लां कर ही रहे सी, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने एक तलवार लिया के छेवें पातशाह दे खब्बे पासे भी पाती ते आख्या, सिखो मैं तलवार भुल के नहीं पाई, मैं गुरु दे हुक्म ना पाई आ। ते गुरु दे हुक्म नूं समझना ए बंदे ते मादे वस्ती गल नहीं, गुरु दी गल नूं गुरु दी मत नाल ही समझा जा सकदा है। मैं तलवार भुल के नहीं पाई, मैं गुरु दे हुक्म ना पाई आ। ते गुरु दे हुक्म दे विच अजे एक होर भेद छुपया, अजे ते मैं गुरु दे एक गात्रे दो तलवारां पाईयां ना, समा होना इन्हां दोवां तलवारां ने इक्के म्यान विच हो जाणा। सिख फिर गल्लां करन लगे भी एक म्यान च दो तलवारां ते हो नहीं सकदा। उन्हें आख्या, समा दसेगा, जदों दोवां तलवारां ने पिठां जोड़ियां, तुसीं दो तलवारां दीआं पिठां जोड़ दिओ, उह खंडे दा रूप धारण कर जांदियां। उह खंडा जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह दे पोतरे दे हाथ विच आया, जिन्हें पा के बाटे विच सतलुज दा जल, जदों उह दो धारा खंडा फेरिया सी ना, जेदी एक धार मीरी दी सी, एक पीरी दी सी, इस वास्ते उहदा खालसा संत भी है ते सिपाही भी है। इह खालसा सिरजणा दा नीह पत्थर भी छेवें पातशाह ने आप रखिया सी। याद कीता बाबा बुढ़ा साहब जी ने, आंदे बाबा बुढ़ा साहब ने अरदास कीती ते छेवें पातशाह महाराज दरवाजे ते खलोते आ। सत करतार दी आवाज आई, गुरु हरगोबिंद पातशाह दे दर्शन होए। अज दे दिन चरण छूए गुरु ने अपने गल दे नाल लाया। बाबा जी ने छुट्टी मंगी, गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, बाबा जी तुहाडे सानू गोचरा जे कम आए का, छोटी उम्र दे विच पिता तुर गए, फिर ग्वालियर दी जेल में जाना पै गया, फिर जंगा जुद्दां गल पै गईयां, असीं वड्डे गुरुआं दा अजे तक इतिहास नहीं सुनिया। जिन्ना चिर तुसीं गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब तक गुरुआं दा इतिहास नहीं सुनाओगे, उन्ना चिर तक छुट्टी नहीं मिलेगी। वाहिगुरु। सिखो ब्रह्म ज्ञानियां दी अपनी बात हुंदी है, सच है। आंदे बाबा बुढ़ा साहब जी ने चौंकड़ा ला लिया, तीन
दिन ते तीन रातां बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु महाराज का इतिहास सुनाउंदे रहे ते छेवें पातशाह नेत्र बंद करके ते गुरुआं दा इतिहास सुनदे रहे। आखरी समा आया बाबा बुढ़ा जी साहब जी का शीस गुरु हरगोबिंद पातशाह दी गोद विच है। जपजी साहब का पाठ कड़िया कीता सलोक पढ़िया जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल बाबा जी दे वजूद विचों जिंद इतना निकली जितना भौरा एक फुल तो उड़ के ते दूजे फुल ते बह जांदा जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना। धन गुरु छेवें पातशाह बाबा बुढ़ा साहब जी का बबान सजा रहे हैं शनान कराया गया बबान तैयार कर रहे हैं किस तरह फुलां दे नाल रस्ता सजाया गल चेते आ गई। बाबा बुढ़ा साहब जी का वजूद कुछ भारा सी ते जदों श्री हरिमंदर साहब के दर्शन आया करन आया करते सी ना उदों बहुत शरीर बिरद हो चुका सी ते छेवें पातशाह महाराज सिखां नूं हुक्म लाता ये गुरु महाराज के बहुत अनिन सेवादार आ जिन्हां वड्डे गुरुआं दे बड़े बचन कमाए बड़ियां खुशियां प्राप्त कीतियां इन्हां नूं अज तो बाद पालकी विच बिठा के लियांदा जावे बड़े अदब दे नाल ते सिख बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पालकी विच बिठा के लियाउण लग पे। एक दिन बाबा बुढ़ा साहब जी की पालकी आ रही सी ते छेवें पातशाह महाराज अपने आसन तो उठ के ते बाबा बुढ़ा साहब जी की उस पालकी नूं कंधा दे लिया ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे गुरु साहब जी मेरी जगह तुहाडे मोढ़िआं ते नहीं मेरी जगह ते तुहाडे चरणां च आ महाराज मोढ़ा परां ढालो नहीं ते पालकी तो मैं छाल मार जानी जी। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह हस के कहन लगे बाबा जी की गल असीं नहीं तुहाडी सेवा कर सकदे प्रीतमा एक दिन समा आएगा तू मोढ़ा दे ली मैं मुड़ के बोलूंगा नहीं। अज जो समा आया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी की कहानी कितना लग रहे हैं एक पासे गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई भाना जी एक पासे भाई अजिता जी और भाई गुरदास जी बाबा श्री चंद जी लागे खलोते आ किस तरह फुलां दे नाल सारा रस्ता सजाया गया कितना गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपने सेवक दे सारे कार्ज आप कर रहे आ। एक कविता बोल बड़े एदे महंगे आ इन्हां नूं समझण दी कोशिश करियो बाबा जी दी चिखा दे विच की समगरी पाई गई किस तरह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे नैणां विचों नीर वग रिहा लैणा तुहाडे नाल जोड़ी इंज सांझे कर रही वे पूरी कर दित्ती अरदास साहब ने सेवक दी खुले दर्शन दे के नूरी रंग चढ़ाया खुले दर्शन दे के नूरी रंग चढ़ाया संत जना मुक्की होइया सतनाम पूरिया घर विच रब मिल गया ब्रह्म ज्ञान धरवाया घर विच रब मिल गया ब्रह्म ज्ञान धरवाया पूरी कर दित्ती दर्शन दे के नूरी रंग चढ़ाया खुले दर्शन दे के नूरी रंग चढ़ाया सत श्याम की होइया सतरा पूरिया घर विच रब मिल गया ब्रह्म ज्ञान धरवाया घर विच रब मिल गया ब्रह्म ज्ञान धरवाया जप जी पढ़ के सतगुर केती छुट्टी आख जा जोत नू परम जोत विच सहज जा टिकाया जोत नू परम जोत विच सहज जा टिकाया थोड़ा तो बोल जा
सुपन सकोपत कारण देस तू लगवाया। पाके हुक्म सेब तो कीर्तन करे दखने गाए जलत रंग समाया। मारू दखने गाए जलत रंग समाया। अतर की ओड़ा कलिया मुस्कंबर उते गुलाब रे गोर गोर कब दिया सिखा राईश मान गुर गुर जपदियां सिखा रईस नान कराया। सुंदर बस्तर पाए बिपान सजाया आखरी सतगुर हर गोबिंद जी बड़ा विराग जताया। सतगुर हर गोबिंद जी बड़ा विराग जताया। खुशबू संदर चंदन चुराया। खुशबू संदर चंदन चुराया। शैण टोलकिया ना शब्द पड़े माई पाई ने सारा रस्ता ग्यासी फुला नाल सजाया। सारा रस्ता गया सी फुला नाल सजाया। लंगर वर्त्या होया पान गुरु की बाणी दा तन तन बाबा बुड्ढा सबने मुखों गाया। तन तन बाबा बुड्ढा सबने मुखों